अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्री रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सीडेंट की खबर सामने आई थी और काफ़ी लंबा जाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। मौके पर इस वक्त हम पहुँचे हैं, काफ़ी बड़े जाम को पार कर यहाँ पर पहुँचे और आप देख सकते हैं गाड़ी का जो टायर है वो भी निकल चुका है। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, निसान की गाड़ी है HR60F5500। ये गाड़ी का नंबर है और किस तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर बीचों बीच क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा करनाल इंद्री जो हाईवे है यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम आपको देखने को मिलेगा और दोनों तरफ ये जाम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो डायल 112 की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची हुई है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। क्या नाम है भैया आपका? क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, अभी वहाँ पे सो रहे थे दुकान पे, ये एक बाइक वाला उल्टी साइड आ रहा था, गाड़ी इधर से जा रही थी, उन्होंने पी रखी थी बाइक वालों ने। अच्छा। तो इसमें टक्कर लगी, वो बाइक आके इधर गिर गया है, ये सारा हड्डियाँ भी टूटी हुई है उनकी। बाइक वाला कहाँ है? भाभी हॉस्पिटल में लेके गए उनके। बाइक कहाँ है? बाइक कहाँ है? बाइक वो रखी है। चोट किसको लगी है? बाइक वाले को लगी है जी, दोनों को। बाइक वाले? हाँ जी हाँ जी। दो जने थे वहाँ? हाँ, दो जने थे बाइक पे, यमुनानगर की तरफ से आ रहे थे। हाँ जी हाँ जी, ये जा रही थी इधर यमुनानगर की तरफ। गाड़ी में कौन कौन था? इसमें एक लेडीज थी जी गाड़ी में, एक डेथ की भी कोई खबर आ रही है किसी की? नहीं जी, चोट लगी है सिर्फ? हाँ, चोट लगी, सिर्फ चोट लगी है। आप देख सकते हैं हड्डियाँ टूट चुकी हैं। किस तरीके से काफी तेज बारिश आज करनाल में आ रही है, सुबह से ही काफी तेज बारिश यहाँ पर आ रही है। और किस तरीके से ये बाइक पर दो लोग सवार बताए जा रहे हैं जो कि यमुनानगर की तरफ से आ रहे थे और कहा जा रहा है कि नशे की हालत में हो सकते हैं, हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। HR 97 4056 ये बाइक का नंबर है। बाइक के ऊपर आप देख सकते हैं जो जूता जिस व्यक्ति ने पहना होगा, जो इस बाइक को चला रहा होगा, किस तरीके से सिटी 100 बाइक है, ब्लू कलर की आप देख सकते हैं पट्टी वाली बाइक है और वो जूता भी वहीं पर लगा हुआ है, जूता भी आप देख सकते हैं वहीं पर है। और हड्डियां टूटने की भी खबर आ रही है, काफ़ी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डायल 112 की गाड़ी है आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये करनाल इंद्री हाईवे है तो सदर थाने का ये इलाका पड़ता है। क्या जानकारी है आपको, कैसे ये हादसा हुआ है? पता नहीं, अभी आए हैं। काफी लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, काफी लंबा जाम लगा है। ये डायल 112 की गाड़ी आई है, यही पुलिस वाले अब खाली करवा रहे हैं, जाम को सही करवा रहे हैं। और कोई जानकारी नहीं? नहीं नहीं। आपको भी भैया कोई जानकारी है? अभी आई है, वहाँ जब जानकारी मिल जानी पता लग जाए बंदे का भी किसका किसका नहीं। क्या नाम है आपका? बलकार जी। कोई जानकारी नहीं? ना जी ना जी। देख सकते हैं जानकारी अब तक यही निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो बाइक है, बाइक भी काफ़ी टूट फूट चुकी है, बाइक का काफ़ी नुकसान हुआ है, बाइक यहाँ पर साइड पर उसको रखा हुआ है। लेकिन किस तरीके से जो गाड़ी है, गाड़ी आप देख सकते हैं बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और गाड़ी में एक महिला बताई जा रही है। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। एक बार पुलिस से पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से ये हादसा यहाँ पर होता है। सुखपाल सिंह है हमारे साथ, आप देख सकते हैं फिलहाल जो काफी लंबा यहाँ पर जाम लगा हुआ है, जाम आप देख सकते हैं, जाम खुलने की स्थिति अब सुधरती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से जाम खुलता हुआ नजर आ रहा है, इस तरफ से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो डायल 112 की गाड़ी है यहाँ पर मौके पर पहुंची है, उनको भी यही जानकारी मिली थी कि यहाँ पर हादसा हुआ है और किस तरीके से इस गाड़ी में बताया जा रहा है। एक बार गाड़ी की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश सुबह के समय पर यहाँ पर आ रही है। HR60F5500 गाड़ी का नंबर है, गाड़ी यहाँ पर बीचों बीच है सड़क के। और किस तरीके से जो टायर है वो निकला हुआ है, अगला जो हिस्सा है, लाइट्स वगैरह सब कुछ टूट फूट चुकी हैं। आपको हर तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गाड़ी आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नुकसान ज़रूर हुआ है, अगले हिस्से से ठोकर लगी है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सामने से, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये गाड़ी जो है करनाल की तरफ जा रही थी और ये जो बाइक है ये यमुनानगर की तरफ से करनाल जा रही थी और किस तरीके से इस गाड़ी की टक्कर हो जाती है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप करनाल इंद्री रोड से देख रहे हैं, जहाँ पर एक
बाइक और एक गाड़ी वाले की टक्कर हो जाती है। गाड़ी में एक महिला बताई जा रही है जिसको चोटें लगी है, महिला को भी अस्पताल लेकर जाया गया है। जो बाइक पर दो व्यक्ति हैं वो भी काफ़ी चोटिल हुए हैं और उनको भी अस्पताल लेकर जाया गया। डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी और अब तो कहीं पर भी ऐसा कोई हादसा होता है तो जो डायल 112 की जो गाड़ी होती है वो 10 से 15 मिनट के बीच में आ ही जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ था। हमारी भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे खड़ी हुई है, लेकिन आगे भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो बड़े बड़े वाहन हैं क्योंकि करनाल इंद्री रोड से गुजरते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगा होने की वजह से जो लोग हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करके, क्योंकि हादसा हालांकि कुछ देर पहले ही हुआ था, लेकिन किस तरीके से बसों वाले भी हैं, गाड़ी वाले भी हैं, ऑटो वाले भी हैं, बड़े बड़े डंपर हैं, ट्रक हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। डायल 112 की गाड़ी यहाँ पर मौके पर पहुँचती है, पुलिस टीम मौके पर पहुँचती और जाम को जो है सही करवाने की कोशिश की जा रही है और गाड़ियों को निकाला जा रहा है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबा जाम करनाल इंद्री रोड पर लगा था, क्योंकि एक बाइक से एक गाड़ी की टक्कर हो जाती है और बाइक पर दो लोग सवार बताए जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए हैं। और जो गाड़ी है, एक बार सर क्या जानकारी आपको मिली थी? देखिए अभी सूचना मिली थी, कार का और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। जिसमें मोटरसाइकिल पर दो बंदे सवार थे, कार वाले ने हिट कर दिया है और मौके पर पहुंच गए थे। बंदे थोड़ा कैजुअल है, उनको भेज दिया ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल लेके गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में तो अभी पता लगेगा ड्राइवर के अलावा और कौन था। गाड़ी नंबर है ये HR7F5500 ट्रेनो। चोटिल हुए लोग। हाँ, पर हुआ था याद से यहीं पर ये हादसा सलारू और दर्द के बीच में। जी। तो क्रेन वगैरह को बुलाया जाएगा अभी? हाँ, क्रेन को बुलाया जा रहा है। कितनी देर पहले का ये हादसा? अभी 15 मिनट पहले का। 15 मिनट पहले 15 मिनट से ये जाम लगा हुआ है यहाँ पर? हाँ, जाम लगा है, जाम खुलवा दिया है, समुद्री चल रहा है। तो थाने में भी बता दिया गया, थाने से भी अब कोई आएगा? थाने में इंचार्ज आया हूँ, चौकी से मैं करूँगा डील इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चौकी इंचार्ज हैं और किस तरीके से वो मौके पर पहुँचे हैं। थाने में भी जानकारी दे दी गई है, सदर थाने का ये इलाका पड़ता है सलारू और दरड़ के बीच में, करनाल इंद्री हाईवे का ये रंबा। चौकी से आप देख सकते हैं कि चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे हैं, डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंची हुई है और किस तरीके से इस जाम को खुलवा लिया गया है। अब से 15 मिनट पहले ये सड़क हादसा होता है। हालांकि जो लोग यहां पर मौके पर थे, जिन्होंने ये हादसा होते हुए देखा था, उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी। पुलिस अभी जानकारी ज़्यादा जुटाएगी, लेकिन इस जो ये गाड़ी आप देख सकते हैं निसान की गाड़ी है, इस गाड़ी में एक महिला थी जो कि जानकारी मिल रही है, और बाइक पर उसकी तो पुष्टि हो ही चुकी है कि दो व्यक्ति थे जो कि काफ़ी चोटिल हुए, जिनको अस्पताल लेकर जाया गया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें, और बारिश के मौसम में ठीक ढंग से आप अपना वाहन चलाएं ताकि आप भी किसी हादसे के शिकार ना हो जाएं। आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।